आना भले ही चांद और मंगल ग्रह की बात करें, लेकिन सीहोर जिले में आज भी सर्पदंश से पीड़ित लोग स्वस्थ होने के लिए मंदिर में आते हैं। अब इनके इस विश्वास को आस्था कहेंगे या अंधविश्वास, लेकिन ये प्रथा 100 वर्षों से चली आ रही है। यहां सालों से नागों की अदालत लगती आ रही है, जहां पेशी पर नाग स्वयं मनुष्य के शरीर में आकर उसे डसने का कारण भी बताकर जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मात्र 15 किलोमीटर दूर लसूड़िया परिहार गांव में दिवाली के दूसरे दिन पड़वा को ये नजारा देखने को मिलता है, जहां सांपों की अदालत लगाई गई। हनुमान जी की मड़िया के सामने लगी सांपों की पेशी के दौरान हजारों लोग ये जानने यहां पहुंचे कि आखिर सांप ने उन्हें क्यों डसा। कारण जानने के लिए कांडी की धुन पर भरनी गाकर सांपों को पेशी पर बुलाया गया। इस दौरान पेशी पर पहुंचे सांपों ने भी शरीर में आकर डसने का कारण बताया। ये लगभग 500 वर्ष पूर्व से ये प्रथा चली आ रही है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने भरनी नाम के मंत्रों से सांपों का इलाज किया था, वो परंपरा अब भी चली आ रही है। आज भी उन मंत्रों को बोलने पर सर्प शरीर में आकर के अपनी पीड़ा या व्यथा को बताते हैं कि हमको अमुक पीड़ा इस व्यक्ति ने दी थी, इसलिए इसको काटा था। दूसरी बात, यहाँ के एक सिद्ध पुरुष हुए, इनका नाम है भगवान दयादास महाराज। उन दयादास महाराज के द्वारा ही ये मंत्रों का संचालन हुआ था और आज भी उनके हर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा से ये परंपरा चली आ रही। पिछले एक साल में सांप के काटने से पीड़ित लोग अपनी परेशानियां लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां काटे जाने का कारण जानने के लिए ढोल मजीरों और मटकी की धुन पर कांडी और भरनी गाई जाती है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति सांप की तरह लहराने लगता है और इस दौरान पेशी पर बुलाए गए सांप काटे जाने का कारण बताते हैं। वहीं कांडी, भरनी और विशेष मंत्र के साथ दोबारा पीड़ित को सांप ना काटे, इसके लिए संकल्प भी लिया जाता है। यहाँ की इस परंपरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। वो रात को 2 बजे काटा था, फिर मैं रात को 2 बजे लेके आया, उन्हें बेल बांधी और उसके बाद आज लेके आया हूँ मैं। क्या वो आज क्या हुआ पेशी में? पेशी में कि वो मन उनके अंदर ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्या बोला सांप अंदर है आके? कि मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर, आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान इस परंपरा को भले ही अंधविश्वास कहे, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास इस परंपरा को न सिर्फ जीवित रखे हुए है, बल्कि इसे आज भी निभा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से इस परंपरा के माध्यम से हजारों सर्पदंश से पीड़ित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गौतम शाह, बंसल न्यूज, सीहोर।